3 दिसंबर पनौती छू मंतर पूरे देश से ही कि जो पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी को देते हैं वही पैसा मैं अपने गरीब भाइयों को दूंगा। देश का सबसे बड़ा पनौती प्रधानमंत्री मोदी है। 5 राज्यों में इनका पूरा का पूरा सोपड़ा साफ है। पनौती मुक्त भारत बनाने का काम करे। आज बीजेपी में आरएसएस में गोबर भक्तों की संख्या बढ़ी है 10 साल में। आरएसएस तो गए पनौती बन गए, आय तो छोड़िए हाय दुगनी हो गई किसानों की। भगवान लहराएगा। अच्छी बात है, लहराना चाहिए। अच्छी बात मानते हैं, एक मुसलमान मान रहा है कि भगवान लहराना चाहिए। राजस्थान विधानसभा का चुनाव तो खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के ही 2 समर्थक मौजूद हैं। मेहताब भाई, मोदी जी ने कह दिया 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, कहीं कांग्रेस नहीं है रेस में? 3 दिसंबर पनौती छू मंतर पूरे देश से ही। 3 दिसंबर से शुरुआत, 2024 में उसका अंत। उनका ये दिल का मनाना है, उनका दिल का मानना है। आप देखना, बहुत ही अच्छी बहुमत से हम 5 राज्य में सरकार बना रहे हैं और ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा है। बीजेपी मुंह तमाचा है, एक बात बताइए, सेमीफाइनल तो बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, सेमीफाइनल इस समय जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो सेमीफाइनल किसान, देश का जवान, देश की महिला, देश के बेरोजगार, देश के व्यापारी जीतने का काम कर रहे हैं। कारण है क्योंकि आप देखिए कि किस प्रकार से बहन प्रियंका जी, राहुल गांधी जी उनके बीच जाते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं और गारंटी जो भी कर्नाटका में दिया, जो भी हमारी जहां भी सरकार है, आपने देखा जो भी कांग्रेस ने गारंटी दिया वो किसान के लिए हितकर है, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, उस व्यापारी के लिए, उस सब के लिए। और सीधा राहुल गांधी जी का कहना है कि जो पैसा प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी को देते हैं वही पैसा मैं अपने गरीब भाइयों को दूंगा। अरे क्या मोदी जी खाक छानने गए थे राजस्थान में? मोदी जी भी कह के आए हैं 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। देखिए, मोदी जी बहुत सारा कुछ कह गए, उनको जुमलेबाज, फेकू बात, तरह तरह के नाम यही जनता ने दिया है। और आज स्टैंड कर रहा है पनौती। आज 5 स्टेटों में पूरे भारत के जो प्रशंसक थे, जो मोदी के भक्त, गोबर भक्त थे, आज वो भी ये बात कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा पनौती प्रधानमंत्री मोदी है। आज देश की जनता बोल रही है बात, और इसका असर देख के बीजेपी में बौखलाहट है पूरी। और आप जान लीजिए कि 5 राज्य तो अभी इनके हाथ से जा रहे हैं, 5 राज्यों में इनका पूरा का पूरा सोपड़ा साफ है। और आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है ये पूरा मजबूती के साथ और जनता की आवाज के साथ, जनता के हक के लिए मैदान में उतरेगी और देश में पनौती मुक्त भारत बनाने का काम करेगी। मेहताब भाई, बीजेपी कह रही है 5-0 से सेमीफाइनल बीजेपी जीत चुकी है। देखिए, मैंने अभी शुरू में कहा है कि उनके दिल का मनाना है। जैसी इस टाइम बुरी स्थिति है हमारे जो सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की है, वो सबको दिखाई दे रहा है और सबको यह दिखाई दे रहा है कि गहलोत जी ने राजस्थान में गरीब जनता को, किसान को, बेटी को कितनी सुविधाएं दी, चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, 25 लाख रुपए का बीमा हो, चाहे वो, अभी आपने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 रुपए का सिलेंडर, 450 रुपए का, 450 रुपए का, 600 रुपए का बोला था उन्होंने अभी अभी सभा में। उन्होंने ये, उनको डर लगा कि उन्होंने 450 बोला। देखिए, ये 150 भी कर सकते हैं, ये सिर्फ जान के रेट बढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये केंद्र के हाथ में होता है। लेकिन माल जो है आगे से महंगा आ रहा है, तो मोदी जी सस्ता कैसे देंगे? कैसी बात करते हैं आप पत्रकार होके ऐसी बात करते हैं? देखिए, सब इन्हीं के हाथ में है। हमारे जो देश के उद्योगपति अडानी हैं, किसका है सिलेंडर, गैस? अडानी जी का है। चाहे तो ये गरीब जनता को 100 रुपए में, 150 रुपए में भी दे सकते हैं, मगर इनको सिर्फ देश को लूटना है और गरीब जनता से पैसा लेकर अपने जो सहयोगी हैं अडानी अंबानी, उनकी जेब भरना। मतलब राहुल की भाषा में कहा तो जब कतरों की जेब भरी जा रही है। राहुल गांधी जी,
आप फिर वही राहुल गांधी जी, एक राहुल गांधी जी नहीं पूरा देश बोल रहा है कि हमारे देश को सिर्फ 3 जेब कतरे चला रहे हैं, जिसमें मतलब पैसे का लेन देन करते हैं अडानी जी, और जो पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी करते हैं, जो कि लाठी बरसवाते हैं और मुद्दे से जो भटकाते हैं और ध्यान भटकाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, शादी विवाह अपने देश में ही करें, देश का पैसा देश में ही रहे, विदेश शादी करने के लिए ना जाएं। मन की बात तो उन्होंने वहाँ फाइनल में भी की थी जाके, और फाइनल हरवा दिया। देखिए मैं आपको एक इतिहास दोहराना चाहता हूँ कि 1969 में स्वर्गवासी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो का गठन किया था, और 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो स्टेडियम का नाम बदलने चले थे खुद ही इतिहास बन गए, स्टेडियम ने ही उनका नाम बदल दिया। तो इनकी जो स्थापना की है वो हमारे वर्ल्ड कप 2023 ने वर्ल्ड कप ने की है, जो कि आज पूरा देश पूरा विश्व पनौती के नाम से पुकार रहा है। मोदी पनौती हैं? अरे बिल्कुल हैं। तो बोलिए राहुल गांधी भी पप्पू हैं? देखिए राहुल गांधी ना पप्पू थे, ना उन्होंने कभी बुरा ना बुरा माना। आप पनौती हो इस वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी बुरा मान रही है। क्यों बुरा मान रहे हो फिर आप? कभी राहुल गांधी ने बुरा माना? कभी किसी से शिकायत की? कभी किसी पत्रकार से बोला उन्होंने? कभी किसी न्यायालय में जाके बोला? अरे वे लोग कह राहुल गांधी का दिमाग तो घुटने में साहब, तो राहुल गांधी बुरा क्या मानेंगे? ये राहुल गांधी से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी गरीब जनता का नेता है, राहुल गांधी उद्योगपतियों का नेता नहीं है, राहुल गांधी किसान का नेता है, राहुल गांधी गरीब का बेटा है, राहुल गांधी अपनी बहन का सुरक्षा चक्र है। आपकी तरह नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप एक नारा रखकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटियों का शोषण करा रहे हैं। अरे बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी बहुत गंदे तरीके से बहन को किस करते हैं खुले मंचों पर। अगर बहन को प्यार करना है तो आप बंद कमरे में प्यार कर सकते हैं, दिखावा क्यों करते हैं प्यार का? देखिए ये तो बहन भाई का प्यार होता है तो मंच से करेंगे ऐसे। जहनियत उनकी सोच है, वो किस तरीके से देख रहे हैं। मैं भी अपनी बहन से गले मिलता हूँ, मैं भी अपनी बहन को प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है क्या वो क्या अर्थ निकाल दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही गंदी है कि वो भाई बहन के रिश्ते को भी तार तार कर रहे हैं, जो कि राखी का बंधन होता है। शर्म आनी चाहिए किसको? पूरी भारतीय जनता पार्टी को। यादव जी एक बात बताइए कि आप लोग इतना हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि जब जब आप लोग मुंह खोलते हैं उसका फायदा सीधा नरेंद्र मोदी को मिलता है। नहीं, जैसा अभी आपने कहा कि पप्पू बना, आप क्या पप्पू कहने वाले हैं? हाँ। तो देखिए हमें कभी रामण कहा गया हमारे नेता को, कभी आप पप्पू कह दिया गया, कभी मूर्खों का सरदार कह दिया गया, और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये है कि आप जो मर्जी हमारे नेता को कहिए, हमारा नेता जनता के दिल में बसता है, ठीक है। और यही जनता कहते हैं ना कि सच्चाई के 100 दिन और बुराई के कुछ दिन होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अडानी के सारे चैनल, नेशनल मीडिया जितने भी हैं, सारे दिन रात एक ही चीज़ था कि कांग्रेस के परिवार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए। लेकिन आज यही जनता, पहले तो हम सब ने गोदी मीडिया का बहिष्कार किया जो गोदी एंकर्स थे, ठीक है, और उसके बाद देश के जो जननायक थे, सब प्रधान सेवक थे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी कई जो जिम्मेदारियां थी उसको नहीं देखा प्रधानमंत्री मोदी ने। और मैच देखने के लिए उनके पास समय होता है, लेकिन जब वो मैच देखने जाते हैं तो वहाँ इंडिया मैच हार जाती है, और जब मैच हार जाती है तो इंडिया के लोग, भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग, वो उनका जो है सब्र टूट जाता है, और जब सब्र टूटता है तो आप ये जान लीजिए सच्चाई निकल पड़ती है। आज देखिए भारत में हर जगह एक ही शब्द निकल रहा है कि पनौती पनौती पनौती। और आपने एक प्रश्न और किया, क्या प्रियंका गांधी जी के साथ राहुल गांधी जी जो किस किए, हाँ, किस करना किस मंच पे, दिखावा करना प्यार का। अच्छा एक बात बताइए, वो भाई बहन है,
अरे प्यार बंद कमरे में कीजिए ना, लाखों लोग बैठे हुए हैं मंच पर, किस करना ये क्या बात है? ये एजेंडा आप बीजेपी की तरफ से लेके आए हैं, इसका मतलब आपको ये बोलने के लिए बीजेपी के आरएसएस वाले या बीजेपी के गोबर भक्त आपको ये बोल, पैसा तो दिए ही होंगे, कितना दिए हैं बता दीजिए, अब आप बता दीजिए कमरे में प्यार, आप कितना देंगे, आप कितना दोगे, अरे आप कितना दोगे कमरे में, ऐसी बातें करोगे समाज के सामने, क्योंकि रिश्ता हो पवित्र रिश्ता हाँ। होता है, माँ का रिश्ता पवित्र का होता है, बाप का रिश्ता पवित्र। बीजेपी झूठ बोल रही है क्या? हाँ। बीजेपी बीजेपी को आज जुमलेबाज कहा जा रहा है, फेकूबाज कहा जा रहा है, पनौती कहा जा रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा? बोलिए ना राहुल पप्पू हैं। और कैसे कह दे, देश की जनता बताएगी, अभी 5 राज्यों से कर्नाटका में बताई राहुल गांधी क्या है? अरे देश में बताया, सुनिए देश में बताया, गुजरात बताया, दिल्ली में बताया, फालतू बातें मत करिए, सच्चाई रहिए, ठीक है? सामने यादव बैठा है और हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं हम भी, तो हिंदू धर्म चाहिए, धर्म धर्म बचा लीजिए, हिंदू क्या धर्म चाहिए, आप क्या है हिंदू है क्या, धर्म है, आप कभी पप्पू बना दोगे राजस्थान कर्नाटका में? आपने कहा मैं हिंदू, सुनिए धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बनाने की कोशिश किया आपने, रामायण बनाने की कोशिश किया, बना पाए? आज जनता उनको जननायक बनाई, आज जनता अपना सेवक बना रही है, और कांग्रेस की नीतियों को अब जनता जानती है और मानती है, और कांग्रेस की गारंटियों को अपना रही है, कारण क्योंकि 10 साल तक ये बीजेपी आरएसएस के लोग और यही गोबर भक्तों ने देश को कंगाल करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। अरे यार मूर्खता कर रहे हो, पत्रकारिता करने आए हो आप, मसीहा नहीं है, नए भारत के राष्ट्रपिता है मोदी जी। 125 देशों में 111वें नंबर पे हमारा देश आज भारत खड़ा है, भुखमरी पे आप बता रहे, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। अरे नीचे से ऊपर तो भारत है, नीचे से ऊपर भारत है, खुश होइए। कहो कि आज बीजेपी में आरएसएस में गोबर भक्तों की संख्या बढ़ी है 10 साल में, ये बात कहोगे तो देश वाले मानेंगे। आज किसान की आर्थिक व्यवस्था जाके देखिए, किसान की रीढ़ की हड्डी है बीजेपी सरकार ने तोड़ा है, आज उनको वोट लेना होता है बड़ा समय है, हर मंच पे पहुंच जाते हैं, मणिपुर जलता है तब नहीं पहुंचते हैं, 90 दिन बाद जब विपक्ष पार्टियां घेराव करती है संसद के अंदर तब ये प्रधानमंत्री 20 सेकंड के लिए बोलते हैं, मेरा दिल तो बहुत द्रवित हो गया। अरे यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देश के आप चौकीदार बनने की बात किए, आप जाके अडानी और अंबानी के चौकीदारी करना चालू कर दिए। आज हमारे देश के कितने उद्योगपति, कितनी कंपनियां आज देश छोड़ के चले गए, इसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? अरे सुप्रीम कोर्ट, सुनिए अडानी अंबानी का जवाब जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है अडानी को। अरे देगा ही ना, जब देश का धृतराष्ट्र, देश का रावण, देश का प्रधान सेवक कुछ भी बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, उसके लिए जो चाहेगा वो कर रहा है। और अब 2024 में जनता ने मूड बनाया है, अभी 5 राज्यों से इनका बहिष्कार कर रहे हैं, 5 राज्यों से जिस प्रकार से 14 एंकरों का बहिष्कार हुआ था, जिस देश की जनता इन एंकरों की बात नहीं सुनना पसंद करती है, अब देश की जनता सही। कमलनाथ कौन है, कमलनाथ कौन है, कमलनाथ कौन है आप बताइए, आप बताइए। अरे हमें तो मालूम है, हमारे नेता हैं, हमें तो मालूम है। नाविका कुमार कौन है, हमें तो मालूम है। नाविका कुमार कौन है, मत बात घुमाइए, नाविका कुमार कौन है, आपने एंकरों का जिक्र किया, बात घुमाइए। यादव जी सुनिए, सुन लीजिए, चीखने चिल्लाने कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ नाविका कुमार कौन है, सुन लीजिए। योगी का बुलडोजर भी बहुत तेज चल रहा था उत्तर प्रदेश में, योगी का बुलडोजर भी रुका, वही कमलनाथ, कमलनाथ सुनिए, कमलनाथ अपने जहाज में बैठाते नाविका कुमार को, इंडिया गठबंधन ने जिस एंकर का बहिष्कार किया था, आप लोग पता नहीं है आप लोग किस तरफ हैं, समझ में नहीं आता, देश की जनता कंफ्यूज है आपको, आप लोगों लेकर के। देखिए देश की जनता सिर्फ यही जानना चाहती है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, हमारे भूखे पेट को रोटी मिलना चाहिए, ठीक है, और किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, देश की बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, देश गणना होनी चाहिए, बोलिए। अरे भाई जाति हिमाचल में, हिमाचल में काम चालू है, कर्नाटक में चालू है, ये बताइए जाति जनगणना से आपको पीड़ा क्यों हो रही है, पीड़ा किस बात की हो रही है, हिमाचल में काम हो रहा है ना, आपको जाति जनगणना से पीड़ा क्यों हो रही है आप ये बताइए। मैं तो चाहता हूँ लेकिन मेरा सवाल ये है, कर्नाटक में कास्ट सेंसस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ना किस बात का हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है,
2024 में पूरे भारत में कांग्रेस और इंडिया अपनी सरकार बनाएगी। चुनावी मेढक बनना ना, बरसाती मेढक बनना ठीक नहीं होता यादव जी। हम नहीं मेढक हैं, मेढक जो है पनौती जो है देश की जनता जान गई है और उसका उत्तर उनको मिलने वाला है। कौन है? ऐसी नहीं है, बरसाती मेढक जो है भाजपा वाले हैं। जहाँ भी जाते हैं हर राज्य से कहते हैं कि मेरा इस राज्य से बहुत पुराना संबंध है, मेरा इस राज्य से बहुत पुराना संबंध है। भाई कितना झूठ बोलोगे आप? आपने कितना ढंडोरा नहीं पीटा? पूरी मीडिया लग गई विश्वगुरु। भाई विश्वगुरु बनने से तो विश्वगुरु बस सुनिए मेहता भाई, आरएसएस से तो गए पनौती बन गए पूरे उसमें अंतरराष्ट्रीय में, तो शर्म आनी चाहिए ना। राइट विंग का जो संगठन उसके हिसाब से आप देशद्रोही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसानों पर बात करोगे? क्या आप जो स्मार्ट सिटी बननी थी उस पर बात करोगे? मोदी जी योगी सुनिए मोदी जी उस पर बात करोगे? किसानों की आय दुगनी हो रही थी उस पर बात करोगे? अरे आय तो छोड़िए, हाय दुगनी हो गई किसानों की, पूरे देश की हाय दुगनी हो गई। बात करते हैं आप अपनी, कम से कम जो है उसको तो बोला करिए आप। इसमें भगवान लहराएगा, अच्छी बात है, लहराना चाहिए। अच्छी बात मानते हैं, एक मुसलमान मान रहा है कि भगवान लहराना चाहिए। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं तिरंगे में बताइए आप मुझे? अब क्लीनिंग वाले थोड़ा जल्दी करेंगे भैया, जल्दी क्लीन करो। तिरंगे में हरा भगवे के बगैर अधूरा है, केसरिया और सफेद, भगवा हरे के बगैर अधूरा है, सफेद हरे के बगैर अधूरा है। ये देश जो है अखंडता जो है हमारे देश की संस्कृति जो है, ये देश हमारा एकता से चलेगा। ये हमारा देश जो है ना, आरएसएस वाले कह रहे हैं कि ये जो हरी मुसम्मी है ना, इन लोग बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए आरएसएस आरएसएस वाले सिर्फ हमारे देश में जो ना, उनका एजेंडा ये है कि अशांति फैलाई जाए, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल। बीजेपी वाले आरएसएस वाले चाहते हैं देश में अशांति फैलाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, मेहताब हिंदुस्तानी कह रहे हैं। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।